भारत का ताज कहा जाता है जम्मू कश्मीर। और पीक सीज़न की बात करें, छुट्टियों में लोग उत्तराखंड जाना पसंद करते हैं, हिमाचल जाना पसंद करते हैं और जम्मू कश्मीर में आना पसंद करते हैं। जम्मू टूरिज़्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रही है। और जम्मू टूरिज़्म जो है तमाम यात्रियों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग जो भी जम्मू के डेस्टिनेशंस हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को पहुंचाने के लिए उस तरह की सुविधाएं जो है वो मुहैया करवा रहा है। साफ तौर पे कुछ ही दिन शेष हैं। जम्मू की बात करें, जम्मू के नियर बाय मानसर आता है, सुरुईंसर आता है, बॉर्डर आता है, जो कि बॉर्डर में के लिए भी खास तौर पे यात्रियों को लेके जाया जाता है। और जम्मू की बात करें, जम्मू साइट सीइंग भी होता है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़्म ओपी भगत साहब हैं। सर, जम्मू टूरिज़्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस करता है वो कि जब खासतौर पे टूरिस्ट आते हैं पीक सीज़न अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। हर बार नए नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि कोई कौन सी जगह नई जोड़ी जाए जहाँ पर यात्रियों के लिए उनको ले जाया जा सकता है। इस बार कौन सी जगहें हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा है मनाया जी? थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका दिया। जैसे आपने खुद ही कहा कि 30 जून को सुबह 4 बजे श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से फ्लैग ऑफ की जाएगी। इस बार यात्री निवास में भी हमने पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं यात्रियों के ठहरने के लिए, उम्दा इंतज़ाम किए हुए हैं उनके वहाँ रहने के लिए, चाहे वो उनके खाने पीने का प्रबंध हो, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, उनके लिए टॉयलेट्स का या कूलिंग की व्यवस्था हो, ये सारा वहाँ पर हमने इंतज़ाम किया हुआ है। इवन के रोड जो एन रूट फ्रॉम जम्मू टू बनिहाल एंड जम्मू टू पीर की गली, क्योंकि जम्मू टू पीर की गली इस बार कोई अल्टरनेट रूट हमने निकाला हुआ है इन केस अगर कोई मिसहैप हो जाती है तो, इस तरफ से तो इन रूट्स पे भी हमने मोबाइल टॉयलेट्स की हर 30 किलोमीटर के ऊपर व्यवस्था की हुई है ताकि किसी भी यात्री को, किसी भी पर्यटक को, किसी भी हमारे पिलग्रिम को कोई परेशानी ना हो, तो हमने ये कोशिश की हुई है। इसके अलावा यहाँ तक ऐसी जगहें जो जहाँ हम यात्रियों को ले जाना चाहेंगे इन केस अगर वो ठहरते हैं जम्मू में, तो आप जानते हैं कि यहाँ जम्मू के बिल्कुल बगल में अखनूर में जियोपोता घाट है, वहाँ पांडव गुफा है, अम्बारन विलेज है जहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सुचेतगढ़ बॉर्डर है, हमारे पास सुरुईंसर मानसर ट्विन लेक्स हैं, जम्मू प्रॉपर में अगर देखें मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, रघुनाथ टेम्पल है, रणवीरेश्वर टेम्पल है। इन जगहों को प्रमोट करने के लिए हमने पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो बहुतायत में प्रिंट करके रखा हुआ है और आप देखेंगे कि यात्री निवास से लेके हम यहाँ रेलवे स्टेशन से चीची माता, यहाँ जहाँ हमारे स्टेशंस हैं, ट्रांजिट कैंप्स हैं, वहाँ वहाँ पब्लिसिटी मटेरियल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस बार हमारी जो अभी तक का कैंपेन है जो हमने FM के जरिए चलाया या किसी और दूसरे तरीके से हम लोग इन अमरनाथ की यात्रा का पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसके चलते हमारे आज भद्रवाह में बहुत ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। हमारा पत्नीटॉप बिल्कुल पूरा जैम पैक है, हमारा सनासर पूरा जैम पैक है, खुद में पैर रखने की जगह नहीं है। आप पत्नीटॉप में जाके किसी भी होटल वाले को बोलोगे आज की डेट में कि मुझे कमरा चाहिए तो कहेंगे बुक्ड है। तो ये हमारी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की पब्लिसिटी का कमाल है, या आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तन मन धन से, इस जिस अपने पूरी इच्छा शक्ति से पब्लिसिटी की है, चाहे न्यूज़पेपर के जरिए हो, आपके चैनल्स के माध्यम से हो, या FM के माध्यम से हो, या कोई और भी जरिया जो पब्लिसिटी का था जैसे सोशल मीडिया हैंडल, हमें बहुत कामयाबी मिली है। और इसके अलावा पिछले दिनों हमने 15 जून को तभी दर्शन डुड्डू में किया हमने, वो भी एक नया स्थान है हमारे लिए। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उस जगह को पब्लिसिटी मिलने वाली है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है, क्लाइमेटिकली इतनी प्यारी है कि आप उसका कंपैरिजन जो है वो पहलगाम के साथ कर सकते हैं। हालांकि हमारा अपना जो प्रोडक्ट है डुड्डू, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहेंगे। पहलगाम की अपनी खूबसूरती है, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि डुड्डू में भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलने वाली है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और काफ़ी पर्यटक जो है वो वहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हम लोग MTB रैली जो है वो यहाँ 22 और 23 तारीख को कर रहे हैं, बसोली, बनी और भद्रवाह तक।
22 तारीख को सुबह 8 बजे उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा बसोली से। बसोली हमने इसलिए उसको चूज़ किया जगह को क्योंकि रणजीत सागर लेक होने की वजह से आप देखते हैं पंजाब में हिमाचल के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं और हमारी साइड पे थोड़ा कम अभी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी एक प्रोजेक्ट हमने भेज दिया है डिपार्टमेंट को और काफ़ी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, बड़ी अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। अगस्त महीने में हम लोग वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी वहाँ पर करवा रहे हैं ताकि उस जगह को लाइमलाइट में लाया जाए। इसके अलावा हम लोग पैरा जंपिंग करवा रहे हैं वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, अगर हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो। हालांकि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़े दिन पहले हमने एक टूर किया था, मानसर हो गए थे, बहुत अच्छा वहाँ पे हमको दिखा, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, लेकिन जब हम सुरुईंसर वाले रास्ते से आ रहे थे, सुरुईंसर में बहुत ज़्यादा कमियाँ दिखी, क्योंकि जब हम मानसर होके आते हैं तो जब हम कंपेरिजन करते हैं तो सुरुईंसर में बहुत ज़्यादा लूप होल्स दिखते हैं, फुटपाथ्स ठीक तरह से नहीं हैं, बहुत जगह टूटे हुए हैं, लेक में बोट्स की ऑप्शन नहीं हैं, और अगर हम बात करें ग्रीनरी की तो उसे सही तरह से मेनटेन नहीं किया गया है बहुत ज़्यादा, तो लोग जो जाते हैं एक तरफ खूबसूरती देख के आते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब सुरुईंसर जाते हैं तो बोलते हैं ये बिल्कुल उसका अपोजिट चला गया है कि यहाँ पे क्यों नहीं इतना काम हो रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि सुरुईंसर और मानसर दोनों लेक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुरुईंसर में जहाँ आपने कहा कि पैरापिट जो है उसका जो पाथवे है वो ख़राब है, हमने प्रोजेक्ट भेजा हुआ है PMDP 2 में जिसमें 3 जेटीज भी वहाँ पर बनाई जाएंगी पर्यटकों के दर्शन के लिए, झील के दर्शन। इसके अलावा पाथवे जो है पूरी का पूरा हमने नया कंप्लीट करना है, उसको नया बनाना है, उसके लिए भी हमारे पास PMDP के अंदर पैसे आ जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। ड्रेनेज उसके अंदर गिरता था जिसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी रहती है, वो ड्रेनेज भी साइड पे करके उसको बाहर से निकाल दिया जाएगा ताकि झील के अंदर मछलियों को कोई नुकसान ना हो या दूसरे जीवों को कोई नुकसान ना हो, जलीय जीवों को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो लैंडस्केपिंग जहाँ जो भी वहाँ पर कोई जगह है या टूरिज्म का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी हम इस बार रिपेयर करके उसको पर्यटकों के रहने के लिए पूरा इंतज़ाम करके रखेंगे। आपको एक साल का वक्त दीजिए, एक साल में आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेंगी सुरुईंसर के अंदर। हालांकि वाइल्ड लाइफ वालों ने वहाँ पर बोटिंग का अलाउ नहीं किया है जिसकी वजह से थोड़ा सा रौनक कम दिखाई देती है आपको, क्योंकि उसके अलावा पर्यटक जाते हैं तो फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ना हो तो क्या, लेकिन हम साथ में ही थोड़े झूले पार्क जो भी हमें जगह है तो वहाँ पर तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पर करने वाले हैं ताकि अम्यूज़मेंट रहे बच्चों जो भी वहाँ पर जाता है पर्यटक तो उसको उसके अम्यूज़मेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पर चलती रहे। सर मैं ये तो हो गया आउटर की बात, जम्मू सिटी की बात करें तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। गंडोला जो केबल कार की बात करें वो इनॉग्रेशन उस जनता के लिए भी शुरुआत नहीं हुई है, तो वो कब तक हो जाएगा? और जो यात्री जो हैं जो जम्मू आते हैं तो, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो बसेज होती हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा और ओपन बसेज का ऑप्शन भी लेके आए हैं यात्री के लिए, अभी की तो ले आते हैं लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस रख रखाव सही तरीके से नहीं होता, वो अगली बार यूज ही नहीं होती है, तो इस चीज़ को लेकर क्या फोकस करा टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर उसको सेफ सही तरीके से रहे? देखिए पहले आपने दो सवाल किए मुबारक मंडी कम्प्लेक्स और गंडोला केबल कार के लिए। केबल कार का प्रोजेक्ट शायद 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा क्योंकि NOC सारे डिपार्टमेंट से लानी है तब जाके शुरू किया जा सकता है, लोगों की जान इसमें इन्वॉल्व होती है, हम रिस्क नहीं ले सकते। एक दूसरा नंबर जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है इसके जो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करके बल्कि दूसरी बार भी टेंडर कर दिया है, एक बार क्योंकि एक ही बिड आई है तो इतना बड़ा काम है हम रिस्क नहीं ले सकते या सिंगल टेंडर से नहीं हो सकता काम, बट अगर कंपटीशन हेल्दी होता है जल्दी उसको हम टेंडर कर पाते हैं इस कम्प्लेक्स को, तो ये 2 साल में कंप्लीट होना है। इनकेस अगर 2 साल में हो जाता है तो हमारी अच्छी खासी जम्मू सिटी के अंदर ये एक ऐसी धरोहर है जिसको हम सेल कर सकते हैं, हमारा USP है जम्मू के अंदर प्रॉपर के अंदर ये हम। दूसरा नंबर यहाँ तक बसेस की बात बता रहा हूँ, हमारा एक तो इलेक्ट्रिक बसेस लाई है SRTC ने, वो आपको अच्छी कंडीशन में मिलेंगी क्योंकि वो हाई एंड टूरिस्ट के लिए या फिर इस तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी कि वो शो के लिए हों या जैसे ही कोई टूरिस्ट अमरनाथ की यात्रा के दौरान इस तरीके से इस्तेमाल की जाए। लेकिन एक बस आप हॉप एंड हॉप करके और भी चलाई जा रही है, प्राइवेट पर्सन उसको चला रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ये इस वक्त पीक गर्मी है, हमारी जम्मू की खूबसूरती ये है, मैं आपको बता देता हूँ, गर्मियों के दिनों में परेशानी होती है लेकिन अमरनाथ यात्रा के चलते यहाँ पर पर्यटकों सैलानियों का जो बहाव है बहुत ज़्यादा रहता है
जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होती या कमी महसूस नहीं होती कि गर्मियों के दिनों में इस बस को चलाने में हमें दिक्कत होगी या कोई ग्राहक नहीं होगा। सर्दियों के दिनों में तो 101% ये बस चलेगी चलेगी, लोग जाएंगे ही जाएंगे सुरेंद्र मानसर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती और धूप से बचा जा सकता है, कपड़े अच्छे गर्म कपड़े लगाए हो तो इंसान जा सकता है। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम पे जम्मू के अंदर अच्छा खासा जो पर्यटक है वो आने वाला है, हमें सिर्फ वी हैव टू पुल आवर सॉक्स जस्ट अकोमोडेट देम एंड एंटरटेन देम। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे अमरनाथ यात्रा जो कि 30 जून को सुबह पहला जत्था निकलेगा और 1 जुलाई को जो है दर्शन करेंगे लोग, तमाम विभाग जो हैं उसके काम के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन जम्मू टूरिज्म का बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा दायरा भी है और बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको बाहर से आए लोगों को जम्मू प्रोजेक्ट करके दिखाना है ताकि वो जाएं उन जगहों पर जो जम्मू की खूबसूरती बयां करते हैं। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट तैयार है, यात्रा के दौरान यात्री कितना आनंद लेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशासन जो है पूरा काम में इस समय जुटा हुआ है। राहुल के साथ ख्वाहिश पटेल, जम्मू।